दिल्ली कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर की लाइफ पर बनी फिल्म की रिलीज पर स्टे लगा दिया है। चंदा ने खुद ही फिल्म रिलीज रोकने की अपील अपने वकील नमन जोशी और विजय अग्रवाल के जरिए की थी। कोचर का कहना है कि यह फिल्म उन्हें अपमानित करने के लिए बनाई गई है, नहीं होगी फिल्म की स्क्रीनिंग। एडीजे संदीप गर्ग ने अपने डिसीजन में कहा कि फिल्म के प्रोड्यूसर स्टारकास्ट के साथ ही साथ किसी को भी चंदा के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, साथ ही ऑनलाइन या ऑफलाइन फिल्म की स्क्रीनिंग से रोक दिया जाएगा। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार विजय ने बताया है कि फिल्म में जो एक्ट्रेस चंदा का रोल निभा रही है वह यह खुलकर बता रही है कि कैसे एक गलती ने चंदा की लाइफ बर्बाद कर दी है। विजय ने कहा, इस तरह की बायोपिक बनाना, उन्हें रिलीज करना और प्रमोशनल इंटरव्यू और अन्य गतिविधियां चंदा को अपमानित कर रही हैं। कोचर के बयान के अनुसार एक इंटरव्यू में उनकी कथित बायोपिक में रोल कर रही एक एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में कहा था कि वे चंदा की तरह दिखने के लिए उनके और तरीके अपना रही है। साथ ही उन्होंने फिल्म के टाइटल को लेकर भी सवाल उठाया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि चंदा पर वीडियोकॉन समूह को 1875 करोड़ रुपए के छल्लों को मंजूरी देने का आरोप लगा है, जिसकी जांच चल रही है। इफ्फी में होनी है स्पेशल स्क्रीनिंग। बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म में गुरलीन चोपड़ा ने चंदा कोचर की भूमिका निभाई है। प्रोडक्शन मनोज नंदवाना और एस अखिलेश्वरन का है, जबकि डायरेक्शन अजय सिंह ने किया है। फिल्म को गोवा में चल रहे 50वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 28 नवंबर को प्रदर्शित किया जाना है।